गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास, आप सभी अपने हिंदी की बुक निकालेंगे। चैप्टर नंबर 12, सब्जियों का झगड़ा। ठीक है, किस प्रकार से कल हमने सब्जियों के विषय में पढ़ा था कि आलू क्या कहता है, टमाटर क्या कहता है, गोभी, गाजर, भिंडी, सभी अपने अपने फायदे बताते हैं, परंतु बाद में सीताफल क्या कहता है कि सभी सब्जियों में समान रूप से क्या होता है, पौष्टिक सभी में होता है, स्वाद सभी में होता है, सभी अपनी अपनी जगह गुणकारी भी होते हैं। ठीक है, इसलिए सभी सब्जियां खानी चाहिए। ठीक है क्लास, आज हम कल हमने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा समझा, आज हम उसके क्या करेंगे, अपने कठिन शब्द लिखे, शब्दार्थ लिखे, अब हम उसके क्वेश्चन लिखेंगे। सभी बच्चे लिखेंगे, कठिन शब्द क्या है, नाजुक, स्वादिष्ट, पौष्टिक, जायका, सेहत, महोदय। सभी लिखेंगे कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में चैप्टर नंबर 12 के। सभी लिखे इसको, कठिन शब्द है ये हमारे चैप्टर के। सभी ने लिखा, उसके बाद हम लिखेंगे इसके मौखिक प्रश्नोत्तर। क्या है मौखिक प्रश्नोत्तर? मौखिक प्रश्नोत्तर लिखेंगे सभी। पहला प्रश्न लिखिए, गर्मियों में आप कौन कौन सी सब्जियां खाते हैं? गर्मियों में आप कौन कौन सी सब्जियां खाते हैं? कौन कौन सी खाते हैं? आप सभी को आलू खाते होंगे, उसके अलावा तो कोई सब्जी खाते ही नहीं। बच्चे लिखेंगे, गर्मियों में हम भिंडी, परवल,
बैंगन, आदि सब्जियां खाना पसंद करते हैं। सब्जियां खाना पसंद करते हैं। सभी लिखेंगे आगे के क्वेश्चन नंबर टू क्या है। आपके घर में सब्जियां कौन लाता है? आपके घर में सब्जियां कौन लाता है? कौन लाता है? आंसर लिखेंगे हमारे घर में सब्जियां कौन लाता है? मम्मी। हमारे घर में सब्जियां कौन लाता है? मम्मी लाती है। मम्मी लाती है। आगे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री। आपके विचार में सब्जियों का राजा बैरानी कौन सी सब्जी है? आपके विचार में कौन है आप बताइए। आपके विचार में सब्जियों का राजा बैरानी कौन सी है? लिखेंगे आंसर कौन सी है। हमारे विचार में सब्जियों का राजा आलू और रानी टमाटर होता है। हमारे विचार में सब्जियों का राजा आलू और रानी कौन है? टमाटर। टमाटर होता है। सभी लिखेंगे हमारे विचार में तो यही है। आपको पता हो तो आप बता दो। ठीक है, आप सभी लिखिए इसको। सभी लिखेंगे अच्छे से लिखेंगे सभी सेकंड क्लास।
सभी लिखेंगे अच्छे से। सभी ने लिखा, आगे लिखेंगे क्या समझा पार्ट से। क्वेश्चन सर है जो आपने चैप्टर पढ़ा था उसमें से कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं उनके आंसर लिखेंगे। आपने भी चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको भी उनके आंसर आते होंगे। क्लास क्या समझा पार्ट से। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, सभी सब्जियां कहाँ रखी हुई थी। कौन कौन सी थी। टमाटर
इन दो सब्जियों का रंग रंग लाल था। ठीक है, आगे लिखेंगे, सभी अपने क्वेश्चन उतारेंगे। तीन क्वेश्चन लिखे हैं हमने, सभी उतारे इसको अपनी कॉपी में अच्छे से। सभी ने लिखा, आगे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर, सभी लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, गाजर से खाने की कौन कौन सी चीजें तैयार होती हैं। गाजर से खाने की कौन कौन सी तैयार होती है। सभी लिखेंगे, गाजर से अचार, मुरब्बा, खीर आदि खाने की चीजें तैयार होती हैं।
5 लिखेंगे क्या है, सब सब्जियों को कौन सी सब्जी ने शांत किया। देखिए सब सब्जियों को कौन सी सब्जी ने शांत किया। जब आपस में झगड़ रही थी तो कौन सी सब्जी थी जिसने सभी सब्जियों को शांत किया। आंसर लिखेंगे सीताफल ने, सीताफल ने सभी सब्जियों को शांत किया। ठीक है सभी लिखेंगे। 5 क्वेश्चन है, 3 हमारे मौखिक प्रश्न थे, 5 हमारे चैप्टर के क्वेश्चन सर है। सभी लिखेंगे इसको। सभी ने लिखा आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, सब्जियों का झगड़ा और फिर इसके क्वेश्चन से कठिन शब्द शब्दार्थ लिखने हैं। ठीक है क्लास, यहाँ तक समझ में आया? ओके क्लास, थैंक यू।